नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान परियोजना के जिला समन्वयक सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं प्रतियोगिता के दौरान कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 100 मीटर दौड़ और लॉन्ग जंप जैसे अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाया। इस बीच प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल ने कहा कि प्रतियोगिता का लक्ष्य है कि छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़े और रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगिता के आयोजक संदीप शर्मा ने कहा कि खेलों से आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही छात्र छात्राओं में प्रत्येक समस्या से लड़ने की सामूहिक क्षमता का विकास होता है। सहारनपुर से संवाददाता मदन सिंह की ये रिपोर्ट। आज जेवी जैन कॉलेज में 2 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कि आयुष्मान योजना के जिला कोऑर्डिनेटर, उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित त्यागी जी, जो कि म्यूनसिपल काउंसिलर हैं, उन्होंने किया। इसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल जी आज रहे। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 1500 मीटर यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। गेम खेले जा रहे हैं और गेम में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा फील हुआ। कौन सा स्थान मिला है? फर्स्ट। सर, आज क्या इवेंट हुआ? आज जो है जेवी जैन कॉलेज में एनुअल एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 और 7 तारीख यानी कि आज और कल तक चलेगा। इसमें आज के मुख्य अतिथि हमारे सुशील गुप्ता जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं आयुष्मान योजना के, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे फाइनल होगा वो अभी सब लाइन। और इसमें लगभग 50 छात्राओं ने अभी तक नामांकन किया है और कल तक चलेगा, तो लगभग 100 खिलाड़ियों के इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्मीद। कौन कौन से? इसमें 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स और लॉन्ग जंप, हाई जंप। थैंक यू।